हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसिपीज ट्राइड एंड ट्रू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मेरी किचन में बनने जा रहा है एक बहुत ही हेल्दी और इजी और साथ ही में बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि है काले चने की ग्रेवी। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। क्योंकि जो सफ़ेद चना होता है थोड़ा सा गैस्ट्रिक और एसिडिटी बनाता है, बट काले चने बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसके लिए हमने एक कप चना लेना है और उसे सफिशिएंट वाटर में ओवरनाइट सोक कर देना है। 7 to 8 आवर्स बाद हम देखेंगे कि चना जो है अच्छे से सोक हो चुका है। इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, साथ ही में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिससे कि अच्छे से जो चना है बॉईल हो जाएगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। मीनवाइल हम चॉपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें प्याज को चॉप करना है, जो कि मैंने थोड़ी थिन स्लाइसेस में काट ली है। साथ ही में हरी मिर्च, अदरक को डालेंगे और प्याज की प्यूरे बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने टमाटो लिया है और टमाटो को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। टमाटो यहाँ पे मैंने 2 से 3 लिए हैं और इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। हम देखेंगे कि 2 to 3 मिनट्स में जो चना है वो अच्छे से पक चुका है। हम इसे प्रेस करके देखेंगे तो इट्स बॉइल्ड वेल। अब हम देखते हैं कि हमें ग्रेवी के लिए क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए बॉयल किया हुआ चना, टमाटो प्यूरे, कुछ स्पाइसेस और साथ ही में अनियन का पेस्ट। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हींग और जीरा। हींग और जीरे को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये स्प्लटर ना हो जाए। 1 to 2 seconds में अच्छे से जीरा स्प्लटर होने लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारा प्रिपेयर किया हुआ अनियन और जिंजर गार्लिक की प्यूरे और इसे अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें अनियन को बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। अगर हम इसे कच्चा रखेंगे तो इसमें बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आती है, तो हमें इसे चलाते रहना है और तब तक भूनना है जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए और ये बहुत ही अच्छे से रस्ट ब्राउन होने तक पक ना जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी रेसिपी की अपडेट्स मिलती रहें। तो आप देखेंगे कि अनियन जो है अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे प्रिपेयर किया हुआ टमाटो प्यूरे और इसको भी हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। प्याज और टमाटर को भूनने में करीब से करीब 5 to 10 मिनट्स तक का टाइम लग जाता है, तो इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर मसाला कच्चा रहा तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ग्रेवी जो है पकने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, साथ ही में हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और इन सबको भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी भी ग्रेवी में थोड़ा सा पानी बचा है, इसे बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और हमें इसे इतना ही अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ चना और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम चना को मिक्स करेंगे, अगर आपको ग्रेवी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए और इसे बहुत ही अच्छे से बॉयल होने देंगे। करीब 2 से 3 बॉयल आने देंगे और आप देखेंगे कि ग्रेवी जो है एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हो चुकी है। फाइनली हम फ्लेम को बंद करेंगे और गार्निश करेंगे इसे कोरिएंडर लीव से और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।